नया पशुपालन करना चाहते हैं तो नए पशुपालन में हमें किस तरह की भैंस खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए, कैसे उसके दूध की जांच करनी चाहिए और किस तरह एक लूट से हम बच सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपने कई वीडियो इस चैनल पर और पेज के ऊपर देखी हैं, सुंदर सिंह हॉकी कोच जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं हरियाणा सरकार से, इनके अनुभव से आपको कई चीज़ें ऐसी जानकारी आज की वीडियो में दिलाऊंगा कि निकट भविष्य में यदि आप डेयरी करना चाहते हैं या आपने कर ली है और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आपका स्वागत है। आप मेरे जो है कि स्वागत की कोई बात नहीं, आपसे तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप तो आपने बड़े मुश्किल सवाल आप पूछते, हर बार आते हो तो एक बड़ा बहुत ही कठिन सवाल पूछते हो। तो जैसे आपने कहा है भैंस कब खरीदनी चाहिए, भैंस खरीदने के दो सीजन सबसे बेहतर मैं मानता हूँ। एक तो जुलाई और अगस्त का महीना बेस्ट है भैंस खरीदने के लिए। हाँ, क्योंकि एक तो इनकी जो है कि आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाती है, भैंसें ज़्यादा ब्याह जाती हैं, उसकी डिलीवरी के टाइम डेट ज़्यादा होती है और एक चारा ठीक मिल जाता गर्मी से, और इससे जो है कि कोई भी पशु अपनी परफॉर्मेंस दूध तभी देगा ना जब उसका जो वातावरण ठीक हो, ठीक ठाक चारा मिले। तो इसलिए जो है कि जुलाई और आप फरवरी ये दो महीनों में ये प्रेफर करता हूँ, माइनस प्लस 15 डेज आगे पीछे लगा लो, इसमें भैंस खरीदनी चाहिए। इस दौरान की भैंस खरीदोगे तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक दूध देगी और वो आपको फिट भी जल्दी होगी, एडजस्ट ज़्यादा रहेगी, आप जहाँ पर भी ले जाओगे सेट होने में कम समय लेगी। दूसरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि कितने दिन का बच्चा दिए हुए भैंस खरीदनी चाहिए, क्योंकि नए लोगों को समझ में नहीं आ पाता, तो आपका क्या अनुभव रहा उसके हिसाब से बताइए। ये आपने बड़ा एक टेक्निकल सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है और इस सवाल का जवाब मैं बड़े धैर्य से और अपने अनुभव से देना चाहता हूँ, और मेरे नहीं ये आपके भी देख लीजिए। किसी पशु की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के तुरंत बाद उसका कचरा साफ नहीं हुआ, जेर गिरा ही नहीं, आपने उसको बेच दिया, एक व्यापारी उसको 300 किलोमीटर लेके चला गया, उसका अंदर का सिस्टम ठीक नहीं और जा करके कहते मेरी भैंस चर नहीं रही, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही। मैं ये कहता हूँ कम से कम 15 दिन के बाद पशु को ब्याने के 15 दिन का से पहले का पशु ना खरीदे, ना खरीदे, ना खरीदे। इसके कारण बताता हूँ, एक तो इसका एक नंबर एक कारण तो रहता है कि उसके पशु की जो है कि जो लोटी होती है, ओड़ी जिसको कहते हो, या थैली जो दूध वाली होती है, इसके बारे में बहुत शिकायतें आती हैं। अगर भाई एक तरफ झुग्गी एक तरफ काट रही है, 15 जो तुरंत का पशु है उसका पता नहीं चलता, कोई कहता बा है, कोई कहता बादी है, कोई छोटा बड़ा, एक जो है कि थड़ों का इन्फेक्शन का आपको पता नहीं चलेगा तुरंत का पशु लोगे, तीसरा जो है कि पशु जब ही दूध से चलेगा, जब पूरा कचरा उसकी जेर अच्छी तरह से गिराई है नहीं गिरा है, जब तक उसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन रहेगा पशु दूध से नहीं चलेगा। इसलिए 15 दिन के बाद पशु को खरीदें और उस वक्त वो दूध से में भी बढ़ना शुरू कर देता। कच्ची भैंस को कभी भी हमारे, ये देखिए सुरजीत जी, हमारे यहाँ हम एक सामाजिक आदमी, हमारे माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, उनके डिलीवरी होती है तो हम कितने दिन उसको बचा के रखते हैं, क्या ये पशु के साथ इतना इंसाफी नहीं? आज उसकी डिलीवरी हुई और आपने 600 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपने ये काम केवल व्यापारी व्यापारी करता है उसकी, क्योंकि उसने प्रॉफिट लेना, उसने पशु नहीं देखना। तो आम किसान यदि पशु खरीदता है तो आपके हिसाब से 15 दिन से कम का समय उसको नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, उसको आराम करने दे, उसको देखें परखें, ये लेना चाहिए ताकि वो आपके जाके सेट हो जाए, चरने लग जाए, दूध देने लग जाए। और सर उसके बाद एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि भैंस को आप दूध कैसे देखें कि कितने दूध की भैंस है, क्योंकि आजकल इसके ऊपर भी बड़ी लूट मची हुई है, नए व्यक्ति को समझ में आ नहीं पाता, तो इसकी जांच कैसे करें वो बताइए भाई। ये भी बहुत मुश्किल सवाल है, सारे मुश्किल सवाल ही आपसे पूछूंगा, कितने पूछने हैं कुछ सोच समझ के सवाल तो हम सब जानते हैं। ये भी देखिए कि भैंस को तो देखने का तरीका ये है, 15 दिन से 20 दिन से नीचे की भैंस की धार ना मारे, अगर आपने आपके घर के लिए लेनी है तो, आपने आपके फार्म के ऊपर रखनी है तो उसको ना खरीदे, ना खरीदे। 20 दिन का जो पशु होगा दो टाइम दूध तोल करके तोलना है, माप नहीं भरना, लीटर नहीं भरना, नहीं भरना। मैंने मेरे ऐसे वर्कर हैं जो 5 लीटर को 7.5 लीटर का उसका बना देंगे,
वो धार ऐसी मारेंगे वो जा वो उसको ऊपर जाग चढ़ जाएंगे और ताज़ा की तो जाग वैसे ही चढ़ते। तो आप हमेशा जब भी पशु लो दूध तोल के लो, लीटर में मत लो मत लो मत लो मत लो, लीटर में नहीं लेना तोल के लेना। हाँ तोल के लेना, लीटर में ले तो एक डेढ़ घंटे बाद उसका दूध आप माप, डेढ़ घंटा उसको छोड़ दे ठंडा होने दे, फिर उस दूध को देखे कितना है, फिर आप देखिए उसकी के सही अंदाज़ आएगा। अब आप गए आपने आज दिन हम क्या करते हैं, हम जब पशु लेने जाते हैं या मेरे पास आते थे, सर जी जल्दी बच्चा छोड़ो मैंने दो भैंस और देखनी है, ये जल्दबाजी में पशु ना लें। ये पशु केवल व्यापारी लोग लेते हैं, जिसने घर दूध पीना है वो ना ले ना ले ना ले, मेरी उनसे सख्त ये सलाह है। और सर सबसे आखिरी में इस वीडियो में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने ब्याज की भैंस खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये नए व्यक्ति के सामने एक समस्या रहती है, मैं फर्स्ट लैक्टेशन की भैंस खरीदूं सेकंड की या थर्ड की, ये कौन से लैक्टेशन की खरीदनी चाहिए सर वो बताइए प्लीज। ये भी एक आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है। देखिए मैं पूछता हूँ, मैं आपसे दो चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, एक कटिया तो 30 बिन्या की ने बच्चा दिया, एक 36 बिन्या की ने बच्चा दिया, एक 48 की ने दिया है, तो पहली बार की वो। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। एक कटिया तो आपकी जो है 30 बिन्या की बच्चा देती है, दूसरी कटिया आपकी जो है कि 36 बिन्या की देती है, एक 48 बिन्या की देती है, कोई 48 से ज़्यादा भी 4 साल की बच्चा देती है। हमेशा पशु उसकी उम्र के हिसाब से खरीदे, ब्यात के हिसाब से ना खरीदे, पहले दूसरे की ना खरीदे, उसके दांत देखें, उसकी उम्र देखें, उम्र को आपको देखना पड़ेगा तो ही आप कामयाब होगे। वरना आपके कहने का मतलब है कि मैंने सवाल ही गलत पूछ लिया कि ब्यात देखकर नहीं उम्र देख करके, क्योंकि सुरजीत जैसे आपने एक पहले भी वीडियो डाला था, पशु अपनी हाई परफॉर्मेंस 8 से और 12 साल के बीच में देता है, 8 साल से कम भी नहीं देगा और 12 से ऊपर भी नहीं, उसको मेंटेन रख सकता है। 8 के 12 के बीच में जो उसकी उम्र है दूध देने की, वो उसकी सबसे ज़्यादा है, जिसकी हम तीसरा चौथा कह दें, तीसरा ब्यात हम कह देते हैं भैंस का, तीसरा क्यों कह दें, 3-4 साल की तुम्हारा ब्याह हुआ, 3.5-4 साल, डेढ़ साल में नए दूध हो गया, दोबारा 3 बार ब्याही तो उसके और लगा ले, 4.5 साल हुए और 3.5 हुए, तो 8 साल की जो उनके दूध देगी, 8 और 12 के हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, ये करते थे, यही देखते थे। तो आपने जो है कि उम्र के हिसाब से बच्चा खरीदे, ब्यात के हिसाब से जो है कभी भी भैंस ना खरीदे। तो दोस्तों इस प्रकार है, आपने यह वीडियो यदि पूरी देखी है तो निश्चित ही आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं, आपने घर के लिए पशु खरीदना चाहते हैं, तो सुंदर सिंह हॉकी कोच सर ने जो हमें टिप्स बताए इनको यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित है बाजार में मार्केट में होने वाली लूट से आप बच पाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आए साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ बेल का बटन दबा लें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।